डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ मॉनसून ने भी दस्तक दे दी है। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ये कोई पहली खबर नहीं है जब मौसम विभाग ने किसी रंग के नाम से अलर्ट जारी किया है। आपने इससे पहले भी कई बार देखा होगा कि मौसम विभाग अलग अलग रंगों के नाम से अलर्ट जारी करता रहता है। क्या आप जानते हैं कि इन रंगों के चुनाव के पीछे क्या कारण है और इनके नाम से ही क्यों ये अलर्ट जारी किए जाते हैं? आइए जानते हैं क्या होता है रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट का मतलब। दरअसल मौसम विभाग देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम में होने वाले संभावित बदलाव को लेकर लगातार सचेत करता रहता है। इन बदलावों के बारे में बताने के लिए कुछ चुनिंदा रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रेड अलर्ट, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार अलर्ट्स के लिए रंगों के चुनाव कई एजेंसियों द्वारा मिलकर किया गया है। हर रंग का अलग अलग मतलब होता है, जिसके हिसाब से मौसमी बदलावों के कारण होने वाले संभावित खतरों से निपटने की तैयारियां की जाती हैं। रंगों के नाम से जारी किए जाने वाले इन अलर्ट का प्रयोग खासकर भीषण गर्मी, सर्द लहर, मॉनसून या चक्रवाती तूफान आदि के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे मौसम अपने चरम की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे अलर्ट गहरा लाल रंग का होता जाता है। इसी तरह किसी चक्रवाती तूफान की भीषणता भी इन्हीं रंगों के आधार पर बताई जाती है। जितने भीषण चक्रवात का पूर्वानुमान होता है, अलर्ट का रंग उतना ही ज्यादा लाल होता है। कई बार विभाग मौसमी बदलावों की संभावना पर ग्रीन अलर्ट की घोषणा करता है। ग्रीन यानी हरे रंग का अर्थ है मौसम में होने वाले बदलावों से किसी तरह का खतरा नहीं है। इसका मतलब है कि किसी तरह का एक्शन लिए जाने की जरूरत नहीं है। बारिश के पूर्वानुमान के तहत ग्रीन अलर्ट या हल्की या मध्यम बारिश के लिए किया जाता है। येलो अलर्ट कर मौसम विभाग ये संदेश देना चाहता है कि खतरे के प्रति सचेत रहें। येलो अलर्ट के तहत लोगों को पहले से ही सचेत रहने के लिए सावधान किया जाता है। मौसम विभाग की भाषा में यह अलर्ट जस्ट वॉच का सिग्नल है। अगर मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी करता है तो इसका मतलब है कि संबंधित अधिकारियों को हालातों पर नजर रखनी होगी। उन्हें बारिश की स्थिति और शहर के हालात के बारे में समय समय पर पूरी जानकारी रखनी होगी। अगर विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो समझिए कि होने वाले मौसमी बदलावों से कुछ खतरा हो सकता है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। जैसे जैसे मौसम और खराब होता है, येलो अलर्ट को अपडेट करके ऑरेंज कर दिया जाता है। इस दौरान लोगों को बाहर जाने के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसका मतलब होता है कि हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। इसके लिए संबंधित विभाग पूरी तरह तैयार और अलर्ट रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर बिना देर किए जरूरी कदम उठाए जा सके। मौसम विभाग के कलर कोड में लाल सबसे गहरा रंग होता है। इसका प्रयोग खतरनाक स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब मौसम खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है और भारी बारिश से नुकसान होने की आशंका होती है, तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है। ये काफी भारी बारिश की चेतावनी देता है, यानी जिस जगह के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है वहाँ काफी भारी बारिश की आशंका है। अमर उजाला .com